जीत हमारी मुट्ठी में था, सब कुछ सही चल रहा था। 41 रन जीत के लिए बांग्लादेश को चाहिए था और इंडिया को एक विकेट, मात्र एक विकेट। फिर ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। मेहदी हसन के 38 रन शतक से भी ज्यादा बड़े लग रहे थे और इंडियन प्लेयर को कुछ ऐसा फील हो रहा था कि गजब बेइज्जती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर मैच। फिर भी तो चलिए आज की वीडियो में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में बात करते हैं। हमारे ओपनर जब ओपन करने आए तो हमें लगा कि खूब मारधार चलेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। धवन को जो शॉट नहीं खेलने आता है, वह शॉट खेलने की कोशिश में धवन आउट हो गए। ये गड़बड़ है बाबा। फिर क्रीज पर मौजूद था इंडिया के नंबर वन प्लेयर रोहित और विराट, लेकिन साकिब अल हसन एक ही ओवर में सबसे पहले रोहित को और बाद में विराट को भी चलता किया। फिर हमारी सारी उम्मीद फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर पर आटिका, लेकिन वह भी 24 रन के स्कोर पर चलते बने। फिर तो कोई भी नहीं टिक पाया, लेकिन केएल राहुल सारे बैट्समैन के अपोजिट इस मैच में टिक कर 73 रन की शानदार पारी खेले, जिसकी वजह से इंडिया कैसे भी 186 रन बनाने में सफल रहा। बांग्लादेश की तरफ से साकिब अल हसन ने अपना पंजा खोला और साकिब अल हसन ने 5 विकेट लेकर पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को हिला डाला। इसके साथ ही होसेन ने भी 4 विकेट लिए। इस स्कोर में ज्यादा कुछ डिफेंड करने लायक नहीं था, लेकिन हमारे इंडियन बॉलर इसको डिफेंड करने के मूड में पिच पर उतरे। सबसे पहले शांतनु को 0 रन पर, उसके बाद कुछ और बैट्समैन को आउट कर दिए, लेकिन लिटिन दास आउट होने से पहले 41 रन और साकिब अल हसन आउट होने से पहले 29 रन की पारी खेल चुके थे। 186 रन के टारगेट में इतना पारी कोई खेल जाए तो मैच में ज्यादा कुछ बचता है नहीं। लेकिन फिर जल्दी जल्दी रहीम, महबूदुल्ला और होसेन को आउट करके इंडिया इस मैच में फ्रंट सीट पर बैठ गया और बांग्लादेश का स्कोर 136 पर 9 कर दिया। और यहां से मात्र इंडिया को एक विकेट चाहिए था जीत के लिए और बांग्लादेश को 40 रन चाहिए था, जो कि इंडिया के चांसेस ज्यादा थे इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन फिर मेहदी हसन के लास्ट विकेट पर बनाए गए 38 रन केएल राहुल के 73 रन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था और इंडिया को लास्ट विकेट नहीं लेने दिया। सो फाइनली बांग्लादेश इस मैच को एक विकेट से जीत गया। इसमें हमारे बॉलर भरपूर कोशिश किए इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए, लेकिन यह टारगेट छोटा होने के कारण लास्ट विकेट पर भी बांग्लादेश जीत गया। वैसे इस मैच में इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट, इसके साथ ही कुलदीप सेन और दीपक चहर ने भी 2-2 विकेट लिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, तो चलिए जल्दी से कर दीजिए।